हरियाणा 8:09 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको कराते हैं आज की खबरों से अपडेट। बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति अब सिर्फ जरूरी सामान को लाने ले जाने वाले वाहनों व स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले को ही होगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को हरियाणा दिल्ली सीमा से आवाजाही नहीं करने दी जाएगी। जबकि अब से पहले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ ही पुलिस कर्मियों को भी सीमा से एक दूसरे राज्य में आवाजाही करने दी जा रही थी, लेकिन अब इस पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। थाना प्रभारी जसवीर सिंह का कहना है कि आदेशों को लागू करते हुए न केवल एक रजिस्टर लगाकर बॉर्डर पर आवाजाही करने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, बल्कि सिर्फ जरूरी सुविधाओं के सामान के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने दिया जा रहा। होम क्वारंटाइन तोड़कर झुंझुनू राजस्थान से अपने घर कांधला यूपी के लिए निकल पड़े युवक को खरखोदा पहुंचने पर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जिसे जांच के बाद टीम ने रेवाड़ी छोड़कर स्थानीय प्रशासन के हवाले किया है। उत्तर प्रदेश के कांधला का रहने वाला नदीम राजस्थान के झुंझुनू में एक सैलून पर काम करता है और वहां की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे कोरोना टेस्ट कर नेगेटिव पाए जाने पर होम क्वारंटाइन किया था, लेकिन वह वहां से मौका पाकर फरार हो गया। पैदल चलते हुए वह रेवाड़ी पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ लगा तो पूछताछ के बाद उसकी स्वास्थ्य जांच करवाई गई, लेकिन वह मौका पाकर फिर से वहां से भी फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन बृहस्पतिवार को खरखोदा पहुंचते ही वह स्थानीय पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद जिला उपायुक्त को मामले से अवगत करवाने के बाद उसे वापस रेवाड़ी भेजा गया है। उसी पे जो मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि एक नदीम पेशेंट था जो बेसिकली राजस्थान में काम करता था किसी सलून पर, और शामली का वो रहने वाला था। तो वहाँ पर उसे कोविड के लिए स्क्रीनिंग किया गया, रिपोर्ट तो उसकी नेगेटिव थी, लेकिन एज पर ऑर्डर्स ऑफ डीएम झुंझुनू उसको होम क्वारंटीन किया गया था 20th of April से लेकर के और 5th of May तक। जिस उन ऑर्डर्स को वो तोड़ करके झुंझुनू से भागे एंड समहाउ कल उनको एक बार रेवाड़ी पुलिस ने एज पर हिज हिस्ट्री पिक किया और उनको रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल लेकर के गए एंड समा वो वहाँ से भी एस्केप करके खरखोदा तक पहुँच गए। जब हमें ये सूचना मिली और पब्लिक ने जब उनको वहाँ रोक रखा था, हमने स्पॉट पे जा करके सारे इंक्वायरीज की और फिर रेवाड़ी की कंसर्न्ड अथॉरिटीज से बात करके और वापस उनको रेवाड़ी ही भेज दिया गया। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हरियाणा 8:09 PM न्यूज चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।